ब्रेड का पैकेट जब भी हम लाते हैं घर में, तब ऐसी साइड्स की जो ब्रेड होती है अक्सर वो वेस्ट में जाती है, हमारे काम में नहीं आती है, हम इसे फेंक देते हैं। या फिर फ्रिज में रखी हुई जो एक दो दिन की ब्रेड होती है वो सूख जाती है, उसे भी हम फेंक देते हैं। आज के बाद आप इन ब्रेड को कभी भी फेंकिएगा मत, बहुत ही टेस्टी सा इसका स्नैक बनाकर हम रेडी करेंगे। हमने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस ले ली है, जो सूखी हुई थी साइड की थी उसे इस तरह कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हमें यहाँ पर जो ब्रेड कट करके हमने रखी है वो ऐड कर देनी है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हम ब्रेड को सेक लेंगे, एकदम अच्छा सा कलर आने लगेगा और ब्रेड हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। तब तक हमें इसे सेकना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ब्रेड हमारी सिक कर रेडी हो जाएंगी। हमने यहाँ पर ब्रेड को सेक लिया है, अब हम ब्रेड को निकाल कर साइड पर रख देंगे। बहुत ही टेस्टी सा ये स्नैक बनता है, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ब्रेड को निकाल कर उसी पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे, साथ में हम 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा यहाँ पर अच्छे से तिड़क जाएगा। फिर हम यहाँ ऐड कर देंगे कुछ वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ी साइज की प्याज को बारीक बारीक कट करके लिया है, 1 टमाटर बारीक बारीक कट करके लिया है और 1 शिमला मिर्च मैंने यहाँ लिया है बारीक कट करके। आप यहाँ पर अपने पास जो अवेलेबल हो, आपको जो पसंद हो वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल के साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है। अब इन सब को हमें मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर हमें सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पकाना है। वेजिटेबल हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, अब हमने यहाँ ऐड कर दिया है 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, नींबू ऐड कर देंगे। 1/2 नींबू का मैंने इस्तेमाल किया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट हमें चम्मच चलाते हुए भून लेना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमने यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लिया है, अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और इन सबको मिक्स कर देंगे। मसाला यहाँ बनकर हमारा रेडी है, अब हमने जो ब्रेड सेक के रखी है उसे ऐड कर देंगे। ब्रेड ऐड करके इसे एकदम अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमारी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने यहाँ पर ब्रेड को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म हम यहाँ इसे सर्व कर लेंगे। मिनटों में हमने कितना जबरदस्त और टेस्टी स्नैक बनाकर रेडी कर दिया, वो भी लेफ्ट ओवर ब्रेड से, जिसे हम वेस्ट समझते हैं, फेंक देते हैं। कभी कभी हमारे फ्रिज में रखी हुई ब्रेड कड़क और सूखी हो जाती है, उनसे आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में इतना टेस्टी स्नैक बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसे बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें, ऊपर से हरे धनिया और चीज से गार्निश करें। आपके घर में आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हो।